हेलो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने काले होठों को किस प्रकार से गुलाबी रंग यहाँ पे दे सकते हैं। महिलाएं अगर अपने होठों पे जो लिपस्टिक वगैरह का यूज़ करती है उनमें मिला होता है कई तरह का केमिकल्स, उनसे क्या होता है, एक दो दिन के लिए अगर आप लिपस्टिक लगाते हैं तो आपके होठ गुलाबी दिखते हैं, मगर उनमें जो मिलाया जाने वाला जो केमिकल होता है उनसे आपके होठों पे साइड इफेक्ट होता है और धीरे धीरे आपके होठ पहले से ज़्यादा काले होने लगते हैं। अगर पुरुष अगर धूम्रपान वगैरह कुछ करते हैं फिर भी उसके होठ बहुत ज़्यादा काले होते हैं। गलत खान पान की वजह से भी हमारे जो होठ है बहुत ही काले हो सकते हैं। यहाँ मैं आपको जो उपाय बताऊँगा इनसे अगर आपके होठ पहले इस तरह के थे तो अगर आप इसका यूज़ कर लेंगे तो आपके होठ इस तरह के हो जाएंगे। यहाँ सबसे पहले जो हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं इस वीडियो में, यहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगी गुलाब की। तो दोस्तों, गुलाब तो आपको कहीं से आसानी से मिल जाएगा, दूसरी जो चीज़ होगी लेमन की। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जो नुस्खा है वो दो स्टेप में डिवाइड कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ किस प्रकार से ये नुस्खे को हमें बनाना है। नुस्खा बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप एक नींबू ले लीजिए, इस तरह का लेमन, और इसको लगभग इस तरह से दो हिस्सों में काट लीजिए और फिर लगभग इसका जो रस होगा इसका हमें यूज़ करना होगा। तो आप लगभग यहाँ पे खाली कटोरी में लगभग से एक चम्मच जितना इसका जो जूस है वो यहाँ पे निकाल लीजिए, बस इतना सा ही आपको यहाँ ज़रूरत होगी। आप देख सकते हैं मैंने इतना सा ही यहाँ जूस ले लिया है, इसके जो सीड्स है वो आप आसानी से निकाल दीजिए। फिर दोस्तों आपको इसमें एक चीज़ और मिलानी है और वो होगी दोस्तों हनी। हनी दोस्तों हमारे होठों की जो नमी है वो बरकरार रखता है, और हमने जो यहाँ ये नींबू का रस मिलाया है इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और सिट्रिक एसिड होता है, जो कि अगर आपके होठों पे जो सनटेन है और हमारी स्किन पे जो सनटेन होती है उसको ये आसानी से यहाँ दूर करता है। तो आप लगभग इसमें एक चम्मच की मात्रा में जो हनी है वो यहाँ पर मिला दीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ लगभग इतनी मात्रा में यहाँ पे इस हनी का यूज़ करने वाला है, लगभग से एक चम्मच जितनी मात्रा में। फिर इस दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसका यूज़ आपको किस प्रकार से अपने होठों पे करना है। इसका यूज़ करने के लिए दोस्तों आप जो रेगुलरली टूथब्रश वगैरह कुछ यूज़ करते हैं अपने दांतों में उसका आपको यहाँ यूज़ करना होगा। आप जो भी सॉफ्ट टूथब्रश यहाँ यूज़ करते हैं उसको इस तरह से, ये जो पेक आपने बनाया है उसमें आप अच्छी तरह से डिप कर दीजिए कुछ इस तरह से। ध्यान रखें कि आपका जो ब्रश है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, उसके बाद आप इस तरह से अपने होठों पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। लगभग से 2 से 3 मिनट तक आपको अपने होठों पे इस ब्रश की मदद से इस तरह से रब करना होगा। इसके बाद इसको 1 से 2 घंटे तक यूं ही छोड़ दीजिए, और जब 1 से 2 घंटा हो जाए तो बिल्कुल ठंडे पानी से अपने होठों को वॉश कर लीजिए। इसके 2 से 3 दिन के इस्तेमाल से ही आपके जो होठ है वो गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती है उसकी तरह गुलाबी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर, वो क्या होगा। और इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ कुछ इस तरह का एक गुलाब यहाँ पर ले लेना है और इसको आपको अच्छी तरह से चूर कर देना है। आप इसमें इसको इस तरह से डाल के अच्छी तरह से क्रश कर लीजिए कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इसको हमने इस तरह से क्रश कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ ज़रूरत पड़ेगी कच्चे दूध की, यानी कि मिल्क की। तो आप लगभग 1 चम्मच की मात्रा में यहाँ है जो कच्चा दूध है वो यहाँ आप ले लीजिए, और उसके बाद एक साफ कटोरी में लगभग से 1 चम्मच की मात्रा में जो कच्चा दूध है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दूध चाहे गाय का हो या भैंस का, कोई भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने जो गुलाब का जो क्रश किया था वो लगभग 1 चम्मच की मात्रा में आपको यहाँ इसमें ऐड करना होगा। और फिर आप इस दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि एक दूसरे में अच्छी तरह से घुल मिल जाए। बहुत ही अच्छा सा और बढ़िया सा ये जो पेक है वो हमारा आज तैयार होने वाला है। ये देखिए दूध का रंग और जो गुलाब का रंग है वो बिल्कुल सेम होने लगा है, यानी कि हल्का सा पिंक आपको दिखने लगा है। ठीक इसी प्रकार के आपके होठ हो जाएंगे अगर आप इसका यूज़ करेंगे। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसका यूज़ कब करना है और किस प्रकार से यहाँ पर करना होगा। दोस्तों मेरी माने तो आप इसका यूज़ अगर रात को सोने से पहले करें तो इसके रिजल्ट है वो आपको और भी अच्छे मिलेंगे। इसको यूज़ करने के लिए सेम
वहीं आप मेथड अप्लाई करेंगे, सॉफ्ट ब्रश ले लीजिए और इसमें आप इस तरह से डिप कर दीजिए और इसके बाद अपने होठों पे लगभग से 2 से 3 मिनट तक इसको अप्लाई करें। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके होठों का जो कालापन है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसका यूज़ आपको 10 से 15 दिन अपने होठों पे तो करना ही है। लगभग से 2 से 3 मिनट तक रब करें और उसके बाद 2 से 3 घंटे इसको यूं ही छोड़ दीजिए। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं और मॉर्निंग में बिल्कुल ठंडे पानी से आप अपने होठों को वॉश कर लीजिए। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दोनों स्टेप में से आपको कौन सा स्टेप बेहतर लगा। यह था हमारा आज का नुस्खा। पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।